In today's video, we will discuss Sir Roger at Church, which is an essay written by Joseph Addison. So if you are new on this channel of mine, then please subscribe my channel and press like button. So this is an requested video. Many people were commenting to make a video on Sir Roger at Church. That's why I have brought this video. So first of all, we will discuss about the writer, and after that we will discuss the summary of its essay Sir Roger at Church. So let's start. तो जो सर रॉजर एट चर्च है, यह एक एसे है जिसको जोसेफ एडिसन ने लिखा है. जोसेफ एडिसन कौन थे? तो ये एक बहुत ही बड़े इंग्लिश एसेस्ट थे, पोएट थे, प्ले राइट थे और पॉलिटिशियन थे. इनके एक ग्रेट फ्रेंड भी हैं रिचर्ड स्टिल, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एसे को लिखने में. और इनका एक और भी योगदान रहा है जो एक पीरियोडिकल से, मतलब न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, द टाइटलर और द एक्सपेक्टेटर, इसको भी पब्लिश करने में इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है जोसेफ एडिसन की. तो चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया. नेक्स्ट हम लोग जो है अब इस जो एसे है उसके बारे में देखते हैं और उसका समरी को डिस्कस करेंगे. तो जो ये एसे है सर रॉजर एट चर्च, इसको 1711 में लिखा गया था जोसेफ एडिसन के द्वारा, जिसमें उन्होंने सर रॉजर के बारे में डिस्क्राइब किया है. जो ये एसे है वो द एक्सपेक्टेटर जो पीरियोडिकल है उसमें पब्लिश की गई थी. ये जो एसे है इसमें इन्होंने संडे के इम्पोर्टेंट्स को बताने की कोशिश की है, जो लेखक है उन्होंने, जो कि इंसानों को सिविलाइज्ड करता है. इस जो एसे की शुरुआत में जोसेफ एडिसन हमें एक गांव के बारे में बताते हैं और वहां पर संडे के इम्पोर्टेंट्स को बताते हैं उस गाँव में. उसके बाद वो हमें जो है उस गांव के एक लैंड ओनर या फिर लैंड लॉर्ड कह सकते हैं सर रॉजर, और उसके बाद क्लर्जी मैन के बारे में बताते हैं. और इस एसे के लास्ट लाइन में उन्होंने दूसरे गांव के लैंड लॉर्ड और वहां के चर्च के साथ उनके संबंध को बताया है. लेकिन मेनली उन्होंने इस एसे में जो सर रॉजर का बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब किया है कि वो किस तरह से लोगों के साथ चर्च में व्यवहार करते हैं. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस एसे का टाइटल ही है सर रॉजर एट चर्च, मतलब चर्च में सर रॉजर. तो इस तरह से उनका बिहेवियर को देखा जा सकता है और उनके रिलेशन को लोगों के साथ, क्लर्जीमैन के साथ, चर्च में किस तरह से था, उसको ही उन्होंने इस एसे में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. तो चलिए अब समरी देख लेते हैं. तो इसमें जो है एसिस्ट हैं उन्होंने एक गाँव में संडे को इम्पोर्टेंट्स को बताया है और कहा है कि उस गाँव में और संडे के इम्पोर्टेंस को बताया है और कहा है कि जो संडे है उसको एक फेस्टिवल के तरह, ओकेशन के तरह उस गांव में मनाया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जिस दिन गांव के सभी लोग चर्च में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उपस्थित होते हैं. और यही एक ऐसा दिन है जिस दिन सभी लोग एक दूसरे से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं. और संडे के दिन ही सभी लोग अपने जितने सारे भी जो सेल्फिशनेस हैं उन सबको भूल करके एक प्योर और ट्रू हार्ट के साथ चर्च में उपस्थित होते हैं. और संडे के दिन पॉलिटिक्स पर खुल करके चर्च में बातें की जाती हैं, जिसका प्रभाव लोगों के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और उनका माइंड भी शार्प होता है. इसके अलावे जो लेखक है वो हमें गांव के मेन जो लैंड लॉर्ड है सर रॉजर, उनके बारे में बताते हैं इसके बाद. और वो बताते हैं कि जो सर रॉजर है वो एक रिलीजियस माइंडेड पर्सन है जो कि चर्च की काफ़ी ज़्यादा देखभाल करते हैं. और उनका जो है क्लर्जीमैन के साथ सर रॉजर का काफ़ी अच्छा संबंध है. उन्होंने चर्च को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बाइबल से कुछ चुने गए वाक्यों को वहाँ के चर्च के दीवारों पर लिखवा रखा है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. इसके अलावा उन्होंने चर्च की मरम्मत भी खुद के ही पैसों से करवाई है और इस तरह से वो चर्च को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कपड़े का प्लेटफॉर्म वहाँ पे यूज़ किया है
और जो है वेद जो है उसको एक रेलिंग से घेर करके रखा है, बना दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके अलावे जो है वो गांव वालों को उत्साहित करते हैं कि वो रोज़ चर्च में आए, और उन्होंने जो है एक गांव वालों को एक सीट जहाँ जिसपे बैठ करके वो प्रेयर कर सके, और एक बाइबल प्रेयर करने के लिए गिफ्ट किया है। इसके अलावे उन्होंने एक सिंगिंग टीचर को भी हायर किया है जो गाँव वालों को श्लोक सिखा सके। इस तरह से सिर्फ गाँव वालों को नहीं बल्कि वहाँ के जो युवा है वो युवा पीढ़ी को भी उन्होंने इनकरेज किया है, और उन लोगों से प्रॉमिस किया है कि सब जब पोस्ट खाली होगा चर्च में किसी भी पद पे तो वहाँ पे मेरिट के बेसिस पे उसको भरा जाएगा। जिस तरह से जो है वो गांव जो वो लोग युवा पीढ़ी भी इससे उत्साहित होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से जो सर रॉजर है वो चर्च को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। अब नेक्स्ट ये जो लाइन है एसे का, उसमें जो है वो लेखक ने हमें उनके नेचर को दिखाया है कि वो किस तरह के नेचर के हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे हैं कि चर्च का ख्याल रखते हैं, कोई भी हर चीज़ों को परफेक्टली वो सजा कर रखते हैं, बट उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी सनकी किस्म के व्यक्ति हैं। वो जो है काफ़ी सनकी किस्म के व्यक्ति हैं जो कोई भी गलती को सहन नहीं कर सकते हैं, और ख़ास करके उस वक्त जब कोई चर्च में प्रेयर के टाइम पर सोता है, भले वो सोए तो कोई बात नहीं लेकिन वो दूसरे को सोने नहीं देते हैं। अगर वो किसी को जम्हाई लेते भी हुए देख लेते हैं तो वो तुरंत उसको उठा देते हैं, और जब सभी लोग प्रेयर के बाद अपने घुटने के बल झुकते हैं नीचे तो वो सभी लोगों को काउंट करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा करके ये देखना चाहते हैं कि कौन से लोग आज चर्च में प्रेजेंट है और कौन से लोग आज चर्च में एब्सेंट हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर रॉजर है वो चर्च की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, और उनका रिलेशनशिप भी क्लर्जीमैन के साथ काफ़ी अच्छा है, जो कि गांव वालों के लिए एक पॉजिटिव साइन है और एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो इसको डिस्क्राइब करने के बाद, मतलब सर रॉजर के बारे में उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के बाद, जो राइटर हैं वो दूसरे गाँव के ज़मींदार और वहाँ के साथ उनके चर्च के संबंध को बताते हैं, और वो बताते हैं कि जो दूसरे गांव है वहाँ पे चर्च के साथ लैंड लॉर्ड का और गांव वालों का संबंध अच्छा नहीं है। वो हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और जो लैंड लॉर्ड है वो कभी भी चर्च नहीं जाता है ताकि वो क्लर्जीमैन को सबक सिखा सके। इस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो अपर क्लास वाले के द्वारा दिखाए गए रास्ते का पालन करते हैं, जिसके कारण जो विलेजर्स है वो भी कभी भी चर्च में नहीं जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर काफ़ी बुरा पड़ता है। सो एंड दे आर स्लोली बिकम डिसबिलीवर, और इस तरह से वो डिसबिलीवर बन जाते हैं, मतलब जो गॉड पे विश्वास ना करते हों ऐसे वो इंसान बन गए हैं उस विलेज के लोग, और यहाँ तक कि वो टैक्स भी नहीं देते हैं। और जो राइटर है वहाँ पे सर रॉजर को एक सिंबल के तरह यूज़ किया है फॉर द अदर लैंडलॉर्ड के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये समरी इसका समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट यू गाइज शुड हैव लाइक दिस वीडियो एंड वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट टू मेक सो वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई टू ब्रिंग गुड वीडियो ऑन दैट टॉपिक, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।